नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात की खास पेशकश निठारी से। जी हां, उसी निठारी से जिसने 19 साल पहले पूरे देश को दहला दिया था। इस वक्त मैं उसी निठारी के D5 कोठी के पास खड़ा हूं। ये वही कोठी है जो कभी गुलजार रहा करती थी, लेकिन आज ये एक डरावना मंजर पेश कर रही है। इसी कोठी ने 19 मासूम बच्चों के कंकालों को उगला था। इसी कोठी के मालिक सुरेंद्र सिंह पंधेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को CBI ने गिरफ्तार किया था। पूरे 19 मामले दर्ज हुए, इनमें से 15 मामलों में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन उन 15 के 15 मामलों में से बाद में उसे बरी कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज एक फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद निठारी की इस कोठी में आना जरूरी था। क्या है ये फैसला और क्यों निठारी केस एक बार फिर से जिंदा उठा है, आइए देखते हैं। पंडित साहब अब आजाद। दोनों को फांसी जरूर दी जाए, ये दोनों बहुत दरिंदे बहुत हैं। कैपिटल पनिशमेंट को कन्वर्ट करके लाइफ कर दिया गया है। अगर फांसी नहीं इनको मिली तो ऐसे कानून तो कोई मानेगा नहीं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने बरी किया है और जजमेंट को रिवर्स किया है। बरी कर दिया है तो हम उसको चैलेंज करेंगे ना सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल। कोहली की फांसी रोक दो। नौ साल एक महीने और 8 दिन पहले जो सुरेंद्र कोहली फांसी के तख्ते से महज कुछ घंटे दूर था, वही सुरेंद्र कोहली निठारी कांड की हर फांसी की सजा से आज आजाद हो गया। अब जरा सोचिए, अगर 7 सितंबर 2014 यानी आज से 9 साल 1 महीना और 8 दिन पहले रविवार की उस रात कोहली को फांसी पर लटका दिया जाता तो आज के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से कम इस वक्त तो ये साफ हो गया कि कोहली के खिलाफ निठारी कांड से जुड़े एक भी इल्जाम CBI अदालत में साबित नहीं कर पाए। तो क्या 9 साल 1 महीना और 8 दिन पहले एक बेकसूर को फांसी पर चढ़ाया जा रहा? ये सवाल खास तौर पर CBI और कानून के जानकार पंडितों से। क्या निठारी कांड में CBI की जांच इतनी कमजोर थी या फिर अदालत को ही वो सबूत नजर नहीं आए? ये चुपता हुआ सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस निठारी कांड ने 19 साल पहले पूरे देश को खौला दिया था, जिस निठारी कांड की 1.5 साल तक CBI ने अंधाधुंध तफ्तीश की थी, आज 19 साल बाद उस निठारी का सच कुछ यूं सामने आया है। 19 केस में से एक को छोड़ दें तो बाकी सभी 18 केसों में सुरेंद्र कोहली और उसका मालिक मुनिंदर सिंह पंधेर अदालत से परी हो चुका है। शायद ये देश का इकलौता ऐसा मामला है जिसमें किसी मुजरिम को 19 में से 14 केस में फांसी की सजा सुनाई गई और वो 14 के 14 फांसी की सजा से साफ बच निकला। दरअसल 16 अक्टूबर सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में निठारी कांड पर एक अहम फैसला आना था। ये फैसला CBI की निचली अदालत के उस फैसले पर आना था जिसमें निठारी के 12 अलग अलग मामलों में सुरेंद्र कोहली को 12 फांसी की सजा सुनाई गई थी। चूंकि मुनिंदर सिंह पंधेर को 2 मामलों में फांसी दी गई थी, कोहली और पंधेर दोनों ने ही गाजियाबाद की CBI कोर्ट के इस फैसले को
इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। एक महीने पहले सितंबर में इस पर कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसी मामले में अपना फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को 12 के 12 मामलों में, जबकि मुनिंदर सिंह पंधेर को दोनों मामलों में मिली फांसी की सजा को रद्द करते हुए दोनों को सीधे बरी कर दिया। ये कहते हुए कि फांसी देने के लिए इनके खिलाफ सबूत नहीं है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह पंधेर अब आजाद हो जाएंगे, दोनों जेल से बाहर आ जाएंगे? तो इसे समझने के लिए निठारी कांड के सारे केस को समझना जरूरी है। बात 29 दिसंबर 2006 की है। यह वही तारीख थी जिस दिन इराक में सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। दुनिया समेत हमारे देश की तमाम मीडिया में भी सद्दाम की फांसी सुर्खियों में थी। इसी खबर के बीच अचानक दिल्ली से मुश्किल से 25 किलोमीटर की दूरी पर नोएडा में बसे निठारी गांव से एक दहला देने वाली खबर आ गई। खबर ये कि निठारी में एक नाले से दर्जनों पॉलिथिन में छोटे छोटे बच्चों के कंकाल मिले। निठारी के जिस D5 कोठी के पीछे वाले नाले से ये कंकाल मिले थे, उस कोठी का मालिक मुलिंदर सिंह पंधेर था, जबकि सुरेंद्र कोहली उसी कोठी में रसोई। 29 दिसंबर की शाम को ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज से ठीक 17 साल पहले साल 2006 में निठारी की इस कोठी से एक के बाद एक कई नरकंकाल मिले थे, और जब इस आलिशान कोठी से नरकंकाल मिलने शुरू हुए तो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व में हड़कंप मच गया था। इसी D5 खूनी कोठी में एक के बाद एक आरोप ये है कि मासूम बच्चियों को किडनैप किया जाता था, उनकी हत्या की जाती थी और उन कईयों के साथ बलात्कार भी किया गया था। तकरीबन 16 ऐसे मामले जो लापता बच्चियों के थे, उनमें नोएडा पुलिस ने मामला दर्ज किया था जो बाद में केस CBI के पास गया था। मामले की शुरुआती जांच नोएडा पुलिस ही कर रही थी। तफ्तीश के दौरान बरामद कंकाल और निठारी थाने में दर्ज गुमशुदा बच्चों की तादाद को देखते हुए हिसाब लगाया गया कि इलाके से कुल 19 बच्चे गायब हुए थे, यानी ये सारे कंकाल उन्हीं 19 बच्चों के हैं। इसी के बाद नोएडा पुलिस ने 19 बच्चों के कत्ल के सिलसिले में अलग अलग 19 FIR दर्ज की। चूंकि इस केस ने पूरे देश को डरा दिया था, लिहाजा बाद में मामले की जांच नोएडा पुलिस से लेकर CBI को सौंप दी गई। शुरुआती जांच के बाद CBI ने 19 केस में से 3 केस को खारिज कर दिया, यानी अब कुल 16 केस और 16 FIR बचे। इन्हीं 16 केस के आधार पर CBI ने अपनी चार्जशीट तैयार की। चार्जशीट में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंधेर को आरोपी बनाया गया। चार्जशीट में CBI ने जो कहानी बताई वो ये कि कोठी नंबर D5 के आसपास जो भी बच्चे खेलने आते थे, उन्हें सुरेंद्र कोहली कोठी के अंदर ले जाता, फिर गला घोंट कर कत्ल करने के बाद उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता। कुछ मौकों पर तो उसने कुछ बच्चों के अंगों को काट कर कुकर में पका कर खाया भी। जबकि मनिंदर सिंह पंधेर को भी तमाम हत्याओं में आरोपी बनाते हुए ये कहा गया कि वो कोठी पर अक्सर कॉलगर्ल को बुलाया करता था, और वहीं से कोहली की हवस की कहानी शुरू हुई। मुकदमे का ट्रायल गाजियाबाद में CBI की अदालत में चला, मगर बाद में मनिंदर सिंह पंधेर के खिलाफ कत्ल और रेप के सिर्फ 6 मामले ही साबित हुए। हालांकि इनमें भी 3 मामलों में खुद CBI कोर्ट ने सबूतों के अभाव में पंधेर को बरी कर दिया। बाकी बचे 3 मामलों में पंधेर को फांसी की सजा सुनाई गई। पंधेर ने इस सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की। 3 में से 1 मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे कुछ साल पहले बरी कर दिया था। अब पंधेर के खिलाफ सिर्फ 2 मामले बचे थे, वो 2 मामले जिनमें उसे CBI की कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज यानी 16 अक्टूबर पंधेर को उन दोनों मामलों में फांसी की सजा को रद्द करते हुए साफ बरी कर दिया। यानी निठारी केस में मुनिंदर सिंह पंधेर के खिलाफ जो कुल 6 मामले थे, उन 6 के 6 में आज की तारीख में वो बरी हो चुका है। ऐसे में अगर कल या परसों वो डासना जेल से बाहर आ जाए तो कोई हैरानी नहीं। अगर CBI इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी देती है, जो कि वो देगी, तब भी फिलहाल पंधेर की रिहाई का रास्ता साफ हो चुका है।
एक में फांसी हुई थी जिसको ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बरी किया था, मतलब रिवर्स किया था, पहले ही किया, 2010 में आ गया था ये जजमेंट। उसके बाद तीन मुकदमे और थे, उन तीनों में सेशंस कोर्ट ने बरी किया, दो जो अभी पेंडिंग थे जिनमें फांसी थी वो रिवर्स हुए हैं और दोनों में बरी कर दिया गया है। तो निठारी केस में पंधेर का हिसाब किताब तो पूरा हुआ, अब कोहली के बही खाते पर नजर डालते हैं। सुरेंद्र कोहली के खिलाफ 16 कत्ल और 16 ही रेप के मामले दर्ज हुए थे। इन्हीं 16 मामलों में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई और फिर ट्रायल चला। इनमें से तीन मामलों में सीबीआई कोर्ट ने तीन अलग अलग वक्त में कोहली को फांसी की सजा सुनाई। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन तीनों ही मामलों में सबूतों के अभाव में फांसी की सजा को रद्द करते हुए उसे बरी कर दिया। रिम्पा हल्दर केस में सीबीआई की कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों ने सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई थी। कोहली ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन दो बार सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस अपील को भी खारिज कर दिया। फिर उसने तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस दौरान चूंकि वक्त काफी बीत चुका था, लिहाजा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिम्पा हल्दर केस में सुरेंद्र कोहली की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। लेकिन उम्र कैद की इस सजा के खिलाफ भी कोहली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 16 में से बाकी बचे 12 केस में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई थी। कोहली ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। उसी पर आज यानी 16 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 12 के 12 मामलों में निचली अदालत के फांसी के फैसले को रद्द करते हुए सुरेंद्र कोहली को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। तो इस तरह निठारी कांड के कुल 16 केस में से 15 में सुरेंद्र कोहली बरी हो चुका है। अब सिर्फ एक केस बचा है, वही रिम्पा हल्दर केस, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस एक केस की वजह से शायद सुरेंद्र कोहली फिलहाल जेल से बाहर ना आ सके। प्रयागराज से पंकज और संतोष शर्मा के साथ शम्स ताहिर खान। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल सीबीआई की जांच पर उठेगा, उठना भी चाहिए। निठारी केस में 15 मामलों में अलग अलग अदालत ने पहले फांसी की सजा सुनाई, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन 15 ही मामलों में फांसी की सजा को रद्द करते हुए दोनों को बरी कर दिया। सवाल यह है कि सीबीआई ने आखिर वो तमाम सबूत क्यों नहीं इकट्ठे किए जो इन दोनों को अदालत में गुनहगार ठहरा सकते। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली निठारी का गुनहगार नहीं है तो फिर असली गुनहगार है कौन। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज का फैसला सीबीआई की जांच पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर इसी निठारी से चंद किलोमीटर की दूरी पर आरुषि केस भी हुआ था, उसकी जांच भी सीबीआई के धुरंधरों ने की थी। लेकिन आज 15 साल बाद भी देश को ये पता नहीं कि आरुषि और हेमराज का कातिल है कौन। इत्तफाक देखिए कि गाजियाबाद के जिस सीबीआई कोर्ट ने निठारी कांड में अपना फैसला सुनाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया, उसी गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने आरुषि और हेमराज केस में आरुषि के माता पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। ये मामला भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोहली और पंधेर को बरी करते हुए अपने फैसले में साफ साफ कहा है कि दोनों के खिलाफ सीबीआई कोई ठोस सबूत या गवाह अदालत के सामने पेश नहीं कर पाए, यहाँ तक कि फॉरेंसिक एविडेंस भी वो ढंग से कोर्ट के सामने नहीं रख सके। ठीक आरुषि केस की तरह ही निठारी केस में भी सीबीआई के पास कहानियां तो बहुत सारी थी, मगर सबूत के नाम पर हाथ खाली। क्या सीबीआई ने शुरुआत से ही निठारी केस को हल्के में लिया? महीनों तक निठारी में जो वो सबूत बटोरते हुए दिख या दिखाई जा रही थी, क्या वो सिर्फ तमाशा था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर कोहली और पंधेर निठारी के गुनहगार नहीं तो फिर वो हैं कौन? प्रयागराज से पंकज और संतोष शर्मा के साथ शम्स ताहिर खान। आज तो निठारी से वारदात की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।